अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, लेक्चर नंबर 13। ये हमारा रिवीजन लेक्चर है। जितने भी हमने फार्मूलाज पढ़े हैं और जो कोर्स से रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ी हैं, वो सारी रिवीजन इसमें होगी। सो वी हैव रिवीजन है, अरिथमेटिक मीन AM। अरिथमेटिक मीन क्या है कि द अरिथमेटिक मीन इज आल्सो नोन एज एवरेज। इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारी अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन थी, पहले भी आपने की भी है। इसका फार्मूला अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा का हमारे पास था समेशन x ओवर n, अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा का समेशन f ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन f। तो वेयर f इज द फ्रिक्वेंसी एंड x इज द क्लास मार्क विच इज द आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास बाउंड्री। तो ये हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू को, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 हम फाइंड आउट करते हैं x को। तो इस तरह ये हमने अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन को सॉल्व आउट भी किया था। तो ये जस्ट फार्मूलाज, ये आपके रिवीजन के फार्मूलाज ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो नेक्स्ट हार्मोनिक मीन HM। हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा इज n डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर x। हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा इज समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f डिवाइडेड बाय x। ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला था। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन GM। ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा इज एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा इज एंटी लॉग ऑफ समेशन f लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन f। वी हैव मीडियन। मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा के हमारे पास दो फार्मूले थे, व्हेन n इज ऑड व्हेन n इज इवन। सो पहला हमारा व्हेन n इज ऑड 1, 3, 5, 7 इस तरह की कुछ वैल्यू होगी तो हमारा फार्मूला मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म इन अरेंज डाटा। तो सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करते हैं, फिर ये फार्मूला लगाते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। जो सेकंड वाला फार्मूला है व्हेन n इज इवन 2, 4, 6, 8 इस तरह की वैल्यू होगी तो हमारा फार्मूला हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n डिवाइडेड बाय 2th टर्म प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ये हमारे मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा के दो फार्मूले थे। अब मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, तो सबसे पहले हम मीडियन क्लास डिवाइड करते हैं, उसका फार्मूला n डिवाइडेड बाय 2 समेशन f डिवाइडेड बाय 2। जब ये क्लास फाइंड आउट हो जाएगी उसको क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, इंटरवल को हाईलाइट करते हैं, फिर मीडियन का फार्मूला लगाते हैं। मीडियन इज इक्वल टू l प्लस h ओवर f इनटू n बाय 2 माइनस c, वेयर l इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, h इज द क्लास इंटरवल, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, c इज द क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगी उससे ऊपर वाली को की वैल्यू हम देते हैं। n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और n हमारा समेशन f के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वार्टाइल्स q1 एंड q3। q1 क्लास के लिए n डिवाइडेड बाय 4 करेंगे समेशन f डिवाइडेड बाय 4, और इसका फार्मूला हो जाएगा q1 इज इक्वल टू l प्लस h ओवर f इनटू n बाय 4 माइनस c। और q3 क्लास का फार्मूला, q3 क्लास हमने डिफाइन करनी है, तो उसका फार्मूला होता है 3n डिवाइडेड बाय 4, 3 इनटू समेशन f डिवाइडेड बाय 4। और फार्मूला इज q3 इज इक्वल टू l प्लस h ओवर f इनटू 3n बाय 4 माइनस c। जे Q1 और Q3 के लिए हमारे पास ये Q1 और Q3 क्वार्टर से निकला है, इसको डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, मीडियन में डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, इसमें डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। मोड फॉर अनग्रुप डाटा इज इक्वल टू मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। जो सबसे रिपीटेड वैल्यू होती है वो हमारा मोड होता है। मोड फॉर ग्रुप डाटा, तो मोड क्लास डिफाइन करते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा, और मोड का फार्मूला l प्लस fm माइनस f1 डिवाइडेड बाय 2 fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h, वेयर l इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मोड क्लास, h इज द क्लास इंटरवल, fm इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास, f1 इज प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और f2 इज द सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। fm हमारे पास जो मोड क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, f1 उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, f2 उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हमारे पास सारे फार्मूलेस को मैंने रिवीजन के तौर पे ये लिख दिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ अवर लेक्चर। विश यू गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।